फाइनली आई एम बैक हियर एट दावत रमजान। ये वही दावत रमजान है जो लास्ट ईयर हमने कवर किया था बाय अनम मिर्जा। आप मेरे पीछे देखोगे पूरा मैप है, द कंप्लीट मैप ऑफ द एक्सपो। लास्ट ईयर जो है बुर्ज खलीफा देखने को मिला था आपको, लेकिन दिस टाइम दिस इज समथिंग यूनिक जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। Looking for Umair. Umair यहाँ पर मेरा wait करने वाले थे and I'm not able to find him. So मैं उनको call करा दो तीन बार, अब फिर phone pick up करे, he's coming out. So यहाँ पे आ गए जगह हमारे Umair भाई, इतनी देर हमारे को wait करा है बाहर और finally Umair भाई is over here. ऐसा दिखा अंदर। मैं देखो अभी just आया अंदर, देखा आपका। अभी just आया? Just आया थोड़ी देर में। 8:30 पे गए थे आप? 8:30 आ गए थे आप? बस घूम ले रहे थे अंदर। ऐसा बात हाँ बोलना पड़ा, आधा घंटा हो रहा। अच्छा, मैं भी आधा घंटा बोला आपको। शहबाज खान का कुछ चल रहा था बस, वो देखा मैं, फिर अंदर जाके स्टॉल्स देख के करके आया। सेटअप पहले जैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दिए, ये फूड स्टॉल ले लिए। अच्छा, ये फूड स्टॉल है बाहर? पहले जो फूड स्टॉल्स थे वहाँ पूरे कपड़ों के स्टॉल्स शायद थोड़े बढ़ाना चाह रहे थे, बल्कि वो लोग बाहर कर दिए, बट ठीक ठाक ही दिखा मेरे को, लास्ट टाइम जैसा था वैसा। एंट्री कहाँ से है वो? एंट्री कहाँ से? मैं लिटरली कंफ्यूज हूँ एंट्री कहाँ से, क्योंकि मैं जो गेट में गया था वो गेट वो तरफ थी, वो गेट एग्जिट की है। एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे लोग अभी, लेकिन एग्जिट है एक्चुअली वो। बट ऐसे इवेंट्स में कहाँ रहता था जब कहाँ से देंगे वो बोलो, कहाँ से देंगे? यहाँ से, वहाँ से, कहाँ से? बस वहाँ से, फिर कहाँ से? ये तरफ से, वो तरफ से। ये पूरे फुडलॉन एरिया है, पूरे फुडलॉन एरिया है। तो स्टार्टिंग से तो एंट्री नहीं है, उसके बाद में से देखेंगे। तुम जहाँ से एग्जिट बोल रहे ना वहाँ राइट, तो मेरे को तो वो एग्जिट दिख रहा, क्योंकि मसला क्या है, वो गाड़ियां वहां से बाहर निकलते हुए, लोग वहां से बाहर निकलते हुए दिखे मेरे को। बट ऐसा कोई डेडिकेटेड वहाँ पे जाके देखना चाह रहे कि भाई वहाँ पे मेंशन है क्या बोल के, गेट नंबर वन या एंट्री एग्जिट कहाँ, कोई भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है गेट। मैं आपके कैप्चरिंग के लिए देख रहा था, आप जो इंट्रो देंगे। इंट्रो हो गया मेरा, हो गया आपका इंट्रो मेरा। चलो यहाँ खड़ के इंट्रो दे दिया। पूरा मैप है जहाँ पे पूरा मेंशन है अंदर क्या क्या है, कौन सी जगह क्या है। जैसा बच्चों का फूड जोन, किड जोन भी देखे तो हाँ वो साइड है जहाँ से मैं आया। क्या है तस्वीर? क्या है? VR गेम्स है और नहीं, VR हाउस है, दिखा कुछ भी स्टेरी हाउस है। तो यही है अपन जो अभी जहाँ से मैं एंट्री लिया, मतलब अभी जहाँ से आया मैं, वही एरिया है वो। अच्छा, तो ये फिर फूड जोन था तुम जो अभी दिखाए मेरे? हाँ राइट, ये ये तुम जो बोल रहे थे गार्डन एरिया है। हाँ, ये पूरे फूड ये अंदर गार्डन स्टॉल्स है और अंदर नहीं, ये फूड स्टॉल्स नहीं है, ये नहीं, ये मतलब वो है ना स्टॉल्स है ना, कपड़ों के वगैरह के लाइफस्टाइल स्टॉल्स है ये, और वो जो है फोटो बूथ वगैरह एरिया फूड जोन। फिर ये हुई मेन एंट्रेंस, यू आर हियर एंट्रेंस। फिर ये जो बोल रहे हैं आप जंगल बाग ये वाला एरिया है। तो कहाँ है एंट्रेंस, कहाँ है जंगल बाग का एंट्रेंस, कहाँ है वो बोल रहे हैं? बंद कर अभी मौसम था, टैक्सी हम लोग अंदर जाके देखेंगे। चलो लोग एक गिवअवे चला रहे लाइव क्रिकेट, वही मेंशन कर रहे हैं लोग, लाइव क्रिकेट है, नमाज की जगह भी है लोगों के लिए। ये है आई गेस वो ना जंगल बाग। सो ये एंट्रेंस यहाँ से है एंड ये है पूरे लाइफस्टाइल जो है ना जोन, जहाँ पे आपको क्लोथिंग एक्सेसरीज क्राफ्ट्स एवरीथिंग देखने को मिलने वाले हैं। तो हम जैसे ही एंट्री मारे वो स्पॉट है, देखो दैट इज रेनविल कॉस्मेटिक्स, साकिब भाई का ब्रांड है। तो हम लोग एंट्री मारते फर्स्ट राइट में जो है, लास्ट ईयर भी अच्छा बुरा है, आज भी जो है ना अच्छे बड़े स्टॉल में बैठे हुए भाई। तो भाई का ये ब्रांड आप जानते होंगे, लास्ट ईयर अगर आप मेरा व्लॉग देखे होंगे तो, एंड दिस इज कॉल्ड रेनविल कॉस्मेटिक्स एंड लोग कंप्लीट कॉस्मेटिक्स का जो है ना इन लोग का वो है एंड बहुत कम दिख रहा स्टॉल में।
अच्छा, तो अभी आपको थोड़ा बहुत कम दिख रहा होगा यहाँ इनका स्टॉक, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, बट यहाँ पे इनका पूरा स्टॉक भरने वाला है इस स्टॉल के अंदर बाई 11 PM टुनाइट। तो अगर आप कभी भी आने वाले हैं, कल परसों जब भी आने वाले, डेफिनेटली आके विजिट करिए रेनविल कॉस्मेटिक्स, और बहुत ही अफोर्डेबल ऑफर्स वगैरह भी चलाते हैं ना आप लोग, फ्लैट 40% डिस्काउंट है इस वाले ब्रांड। इट्स एन ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड एश्योर्ड आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है फ्लैट 40% का, और इंडिया में कहीं पे भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपको ये ब्रांड देखने को नहीं मिलने वाला है। सो डेफिनेटली विजिट करिए रेनविल कॉस्मेटिक्स पे, और ये फेसेस कैनेडा इनका जो ये ब्रांड है इसके ये इसकी शॉपिंग भी डेफिनेटली करिए। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स जो है अभी सेटअप हो रहे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ दावत रमजान, और यहाँ पे बहुत सारे फ्रेगरेंसेस ले लो, या लेडीज के कपड़े ले लो, या बच्चों के बेबी केयर प्रोडक्ट्स ले लो, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स अभी एम्प्टी है एंड देर इज नथिंग इन साइड। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स आने वाले हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एज आई सेड के यहाँ पे फ्रेगरेंसेस है, ज्वेलरी अवेलेबल है लेडीज की, जूतीस अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए एक ही जोन में 15 डेज का ये एक्सपो है विच ऑलवेज हैपन एट दावत रमजान बाई अनम मिर्जम। तो ये क्या प्राइस का है? ये 1800 का है क्लॉक। अच्छा, ये ड्रेस है, ये दुपट्टा है, ये भाई जी वो दिखा रहे हैं, ये ड्रेस है कंप्लीट, इसका भी प्राइस 1800 है, ये 2000 रुपीज कंप्लीट डिजाइन पैटर्न बहुत प्यारा है, और सीमा चिकन है, आप आगे डेफिनेटली इनके पास से शॉपिंग करिए। एंड इसके बाद में अलावा यहाँ पे बहुत सारे है, जैसे लेडीज की कुर्तीज है, बच्चों के कपड़े है, हर चीज है। तो बच्चों के जो कपड़े है वो स्टार्ट हो रहे 350 रुपीज से, और स्टॉल नंबर 16 है यहाँ, तो किड्स वेयर है एंड यहाँ पर आप देखो वहाँ पे फुटवेयर भी है, कलेक्शन कंप्लीट। तो अपन अंदर थोड़ा थोड़ा अंदर जाएंगे, और ये आ गया एकदम फेस आ गया तुम्हारा। इसके अलावा यहाँ पे बेडशीट्स देखो, मतलब पूरी कंप्लीट एक शॉपिंग है, लाइक आप जैसा बाहर निकल के बाजार में शॉपिंग करते तो आपको क्या है भीड़ में फिरना पड़ता, कई लोगों से धक्के मुक्के खाना पड़ता, यहाँ पे क्या है एक ही जगह पे हर चीज मिल रही, और कलेक्शन बहुत प्यारा है नो डाउट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इनके पास क्लचेस वगैरह है, पार्टी वेयर क्लचेस है, ठीक है, ऐसे चीजें बहुत सारी चीजें जो है आप मिस आउट करोगे अगर आप दावत रमजान आके शॉपिंग नहीं करने वाले है। तो डेफिनेटली यहाँ जूतीस वगैरह है, लेडीज के सैंडल्स वगैरह, फ्लैट वगैरह है, और ये जो है इनका ब्रांड है, और आपका स्टॉल नंबर 73 है, दैट इज आप पंजाब से हो? हाँ जी, पंजाब से। विद्या, आप पंजाब से भाई साहब, तो आपके पास है कलेक्शन क्या रेंज से स्टार्ट होता है? उनके पास में हमारी वैरायटी है, अगर आप चाहिए देखो पंजाब से है बोले, राइट, लुधियाना से है। ये चांदी का माल बहुत है, इसको भी पता नहीं लेदर में, तो लेदर में नहीं है, ये बिजनेस के अंदर इनके यूनिक चीज कुछ डिफरेंट कस्टमर मांगता है, ये नया चीज हो, नया कलेक्शन लिए मिलती है, तो छट के कुछ नहीं लुधियाना बहुत सारे, ये भी पश्मीना है, ये पश्मीना है, ये सेम चीज सेम चीज है, आपको बिल्कुल बेस्ट माल मिलेगा, इंटीरियर के लिए आपके कुशन्स वगैरह है, किचन कवर्स है, या फिर बेडशीट्स वगैरह है उसके लिए, और कंप्लीट कलेक्शन आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट डे है, सेटअप हो रहे हैं स्टॉल्स एंड ऑल, बट आई गेस यहाँ पे थोड़ी ज्यादा वैरायटीज भी है, अलग अलग है, राइट, पूरा लॉन्च करके पूरे स्टॉल्स में अलग अलग वैरायटी रखे हुए, बट डिस्प्ले भी बहुत ज्यादा अच्छा है, राइट। यहाँ पे भी आपको जूतीस देखने में मिल रहे हैं, तो जूतीस का कलेक्शन बहुत ज्यादा है, कहते हैं अभी तक मैं 3 स्टॉल 4 स्टॉल देख लिया, 5 स्टॉल देख लिया एक्चुअली जूतीस के, तो जूतीस का कलेक्शन है ये पूरा,
एंड स्टॉल का नाम यहाँ पे देख लीजिए आप। ओके, यहाँ पे वरमाला का भी स्टॉल है अलावा, एंड वरमाला वाले जो है यहाँ पे कंप्लीट जो है मेंस एथनिक वेयर इनके पास होता है बेसिकली। तो ये पूरा कलेक्शन आप जो है वरमाला के स्टॉल नंबर 55 पे आके ले सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह भी है, ज्वेलरी का कलेक्शन भी है यहाँ पे। जो है कुर्तियों का कलेक्शन, सूट्स का कलेक्शन है लेडीज का, एंड दिस इज कॉस्टिंग लाइक 700 रुपीज से यहाँ पे रेंज है ये जितने भी है। फिर उसके आगे जो है अलग अलग प्राइसेस के है, 1800 तक जाएगा यहाँ पर इनके पास पूरा स्टॉक। 150, 152 और 153 ये तीन स्टॉल्स हैं इनके, तो आप डेफिनेटली आके विजिट करो। ये लखनऊ का हैंडवर्क वर्क करे हुए कुर्तीज सूट्स वगैरह है इनके पास में, एंड दिस इज कॉस्टिंग राइट स्टार्ट होता है 500 रुपीज जो है आपको 35,000 रुपीज तक मिलेगा। लखनऊ के कामदानी वर्क ओरिजिनल पीसेस है ये भी इनके पास में अवेलेबल है। ठीक है, ये सूट्स वगैरह भी आपको देखेंगे। तो ये पूरा जो है ना बाहर ये पूरे फूड स्टॉल्स थे लास्ट ईयर, अब यहाँ पे पूरे जो है क्लोथिंग स्टोर्स, क्लोथिंग स्टॉल्स, लाइफ स्टाइल स्टॉल्स सब आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और बाहर ये तरफ बुर्ज खलीफा था जहाँ पे अब जंगल बाग बोल के आ गया, और वहाँ पे जो है एंट्रेंस था वो मिल भी नहीं था ना। वो था वो पूरा पैक, जैसे ये एक बैरिकेड लगा के पैक कर दिया, वहाँ भी बैरिकेड लगा के पैक कर दिया, लेकिन पार्किंग एरिया था पूरा, पार्किंग एरिया था वहाँ पे जो है कुछ नया बना के सीन। तो ये पूरे यहाँ पे जो है बाग है, जलियांवाला बाग है ये जलियांवाला बाग है, हिंदू बाग है ये जंगल बाग है ये। तो यहाँ पे आपको घोड़ा यूनिकॉर्न भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये पूरा जो है मतलब ज़्यादा बनाए लोग बच्चों के, मतलब लोग जो है खड़े के फोटोज लेने के लिए एक स्पॉट बनाए था। तो यहाँ पे पूरे फूड स्टॉल्स हुआ करते थे, अभी पूरे यहाँ पे जो है ना आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं पूरे लाइफस्टाइल ब्रांड्स वगैरह हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये आशीर्वाद मसाला वालों का है ब्रांड लगा हुआ, और यहाँ पे जो है मतलब चिकनकारी करे हुए कपड़े वगैरह है लेडीज के, और मोस्टली लेडीज की ज्वेलरी वगैरह ये सब यहाँ पे दिख रहा है अभी आपको। तो ये है आइडिया जहाँ पे फिर आप शॉपिंग कर सकते हैं बाहर निकल के भी। अंदर हॉल में तो शॉपिंग करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बाहर भी निकल के आप शॉपिंग कर सकते हैं। और फिर जैसे यहाँ से हम लोग जो है पार्किंग एरिया था, तो ये पार्किंग एरिया में लोग पूरा फूड स्टॉल्स लगाए, और यहाँ पे भी एक तरह का मिनिएचर बना हुआ है ताकि आप इसके सामने आके शॉप मतलब फोटोज वगैरह ले सको, थोड़ा सा जो है ना टाइम पास कर सको, यहाँ पे खाना खाओ, कुछ बैठो करो, हलीम वगैरह जो भी यहाँ पे फूड स्टॉल्स में है वो आप ट्राई करो यहाँ पे बैठ के, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ आके चिल करो करके। ये कंप्लीट स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो भी लोग चिल कर रहे हैं उन लोग सर मैच भी देख रहे बैठ के, तो मैच भी लाइव चल रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है पेटी प्लस वालों का एक स्टॉल, पेटी प्लस जो है इनका ब्रांड है, प्लस बुटीक है, और इनके पास में ये पूरा जो है ना डिजाइनर वेयर देखने को मिलता। तो यहाँ पे पूरे जो है आप देखो कंप्लीट जो है लेडीज कलेक्शन है, बैग्स वगैरह का कलेक्शन है, और यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे डिडॉल हाउस करके पूरा पार्टी वेयर कलेक्शन है, मतलब अभी पूरा कलेक्शन जो है सेटअप, मतलब पूरे स्टॉल सेटअप नहीं है क्योंकि इस तरफ आप देख सकते हो पूरे स्टॉल सेटअप नहीं है अभी, और अभी इतने लाइटिंग वगैरह भी बहुत कम दिख रही है मेरे को इस बार। लाइक लास्ट ईयर लाइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मतलब आपको जरा थोड़ा क्या है रिट था माहौल, और आप जो है शॉपिंग अच्छे से कर सकते थे। होम डिकोर का है यहाँ पे जो है, मतलब पर्दे वर्दे हैं, बहुत प्यारे खूबसूरत पर्दे हैं, मतलब आपके घर के लिए, आपके ड्राइंग रूम के लिए या हॉल के लिए, आप बहुत अच्छे सजावट के लिए अगर ईद के लिए शॉपिंग करने के लिए है तो यहाँ पे डेफिनेटली विजिट करिए। एक जोन जो है किड जोन जो है यहाँ पे है बच्चों के झूले वूले खेलने के लिए।
तो यहाँ पे बच्चों का जो है सेक्शन है, यहाँ पे थोड़े से वाटर राइड्स भी दिए गए यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ झूले वगैरह है, ठीक है, बच्चे झूलने के लिए, और साथ ही साथ में यहाँ पे शूटिंग रेंजेस है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता। स्केरी हाउस भी बना हुआ है यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे स्केरी हाउस भी है। तो अलग पूरा कॉन्सेप्ट दिया बच्चों के वास्ते, या छोटे बच्चे गाड़ियाँ वगैरह चला रहे, तो एक पूरा ए टू जेड कॉम्बो है फॉर किड्स, फॉर मेंस, फॉर वुमेन्स, जो कि बहुत लास्ट टाइम नहीं हुआ था, उतना क्रेजी नहीं था। मैं बोला सारा स्केरी हाउस इज ओवर देयर, तो स्केरी हाउस है बच्चों के लिए, वो वीआर गेम्स वहाँ पे बनाए गए हैं, तो वीआर गेम्स का भी कॉन्सेप्ट है। वाटर राइड्स भी बनाए गए, तो वाटर राइड्स का कॉन्सेप्ट है। और ये टीम अनम बिरजा फिफ्थ। ये है अनम बिरजा और टेकिंग पिक्चर्स विद द फैंस। रमजान तो ये हमारी टूरी थी पुरानी, ये मेकअप बाय देन, यस यस। तो यहाँ पे कैसा डिलाटी करके इनके पास केबीआर पार्क के आउटसाइड में इनका जो है कैफे है, तो ये टेक अवे कॉफी है, ये वहाँ पे केबीआर में सीटिंग भी अवेलेबल है, तो सीटिंग भी अवेलेबल है भाई। ओनर है आप? नहीं, मैनेजर। मैनेजर है, क्या नाम? मोहम्मद हसीब अली, मोहम्मद हसीब है इनका नाम। तो ये जो है इनके पास जो है पूरा ये सिग्नेचर ड्रिंक्स वगैरह है, हॉट बेवरेजेस है, कोल्ड बेवरेजेस है अवेलेबल। यहाँ से इनकी जो है ये लोग की ये एक एंट्री है, यहाँ से एक एंट्री है, एंट्री करने के बाद में आपको कैसे डिलाटे करके मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली इनके पास विजिट करिए। तो यहाँ पे कॉफीज वगैरह अलग अलग जो है और मफीज वगैरह है, ये आइस पिस्ताशियो लाटे है, 230 रुपीज का है, दावत रमजान में डेफिनेटली विजिट करके इनके पास ये ट्राई करो, कुछ नया कॉन्सेप्ट दिखा। तो गाइस मैं जो है यहाँ पे सिटी लाटे के स्टॉल पे हूँ, और ये कैफे पिस्ताशियो लाटे है, और इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी कि इनके साथ टेस्ट कैसा है। ये पिस्ता का है और इनका स्पेशल यूनिक आइटम है, कोई भी कहीं भी आपको ये आइटम मिलने वाला नहीं है बाहर, तो लेट्स ट्राई दिस।
मतलब ये अफोर्डेबल प्लेस है, यहाँ खा सकते हैं। हमीदी तो नहीं थी, हमीदी और ये साल फर्स्ट टाइम दिखा मेरे को, पहली बार है, मतलब कोई भी एक्सपो वगैरह में भी नहीं थी, नहीं थे इंपीरियल और है इंपीरियल वाले अभी भी वहाँ पे है। और हमें भी कन्फेक्शनर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा, वो सारा कलेक्शन है, तो यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं स्वीट्स वगैरह। और ये मॉकटेल्स भाई, मॉफ, ये मॉफ वालों का है मॉकटेल, मॉफ था लास्ट ईयर, मॉफ था, अरे मॉफ था, मॉफ वाज नॉट देयर, मॉफ वाज नॉट देयर, तो मॉफ का भी फर्स्ट टाइम स्टॉल है यहाँ पे। प्रमोट करते हैं इसको, इनका ही ब्रांड है कहते, तो ये भी यहाँ पे लास्ट ईयर था और आज भी है, और ये कुनाफा स्टेशन नहीं था, और इसकी जगह कैप्टन कुनाफा था, कैप्टन कुनाफा भी है ये, नहीं कहाँ पर है, मैं सुना, नहीं नहीं नॉट ओवर हियर, तो कैप्टन कुनाफा की जगह पे आपको कुनाफा स्टेशन देखने को मिलने वाला है। मेन्यू देख सकते हैं उनका, कुनाफा स्टेशन वालों का यहाँ पर जो मेन्यू है रमजान के लिए खास मेन्यू है यहाँ पे कुनाफा स्टेशन का, तो यहाँ से कुनाफा आप ले सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 150 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है। दिल्ली का मशहूर मोहब्बत का शरबत है, हमने कुछ लास्ट टीबीवी के एक्सपो में भी यहाँ देखने को मिला था। इंपीरियल स्वीट हाउस वालों का है स्टॉल, दावत रमजान के लिए स्पेशल यहाँ पे हैम्पर है, तो ये आप जो है ईद देखो ऐसे अलग अलग जो है ना कस्टमाइज बना के देते हैं लोग, ठीक है। ये जो है सैफू भाई का है, तो आप जो अलग अलग स्टॉल है, तो हाउस ऑफ कैंडी ये है, इंपीरियल स्वीट्स का ये है, आपके पास क्या है, क्या क्या स्किपी के है, राइट, आइस पॉप्स वगैरह है, स्किपी ये जो शार्क टैंक इंडिया में आया था एंड इट वाज फेमस ओवर देयर, तो मैं बहुत सारे एक्सपोज वगैरह में बाहर मतलब एक्सपोज वगैरह में भी ट्राई कर रहा था, इनके अलग पास अलग अलग फ्लेवर्स है, जैसा कि इनके पास में पिस्ता है, राइट, ये लेमन है, ये ओके, ये मैंगो है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, तो ऐसे वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स आपको देखने को मिल रहा है, कोला है, तो ये वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। कुछ ऑफर क्या है, प्राइस इसका 30 रुपीज का एक है, ये दो पीस ले रहे तो 60 रुपीज में है, एक पीस ले रहे तो 30 रुपीज में है, ये 120 रुपीज में 12 पीसेस देखने को मिलते हैं। अच्छा, और इसका साइज छोटा है सर, इसलिए आप ये बड़े है, ये कितने का है, 6 फ्लेवर्स है इसमें, 6 फ्लेवर्स है, 12 पॉप्स है इसके अंदर, प्राइस क्या है इसका, 240 रुपीज का है, तो आप अगर ऐसा लेना चाह रहे कूलिंग वगैरह नहीं चाहिए, वैसे नॉर्मल लेना चाह रहे तो ये बॉक्स आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता, तो ये फर्स्ट टाइम जो है हैदराबाद में लॉन्च हुआ, लास्ट वीक ये लोग लो लेके आए, इसके अंदर जो फ्लेवर्स है, ठीक है, स्किपी पहले से है बट स्किपी के जो ये जो फ्लेवर्स है ये कंप्लीट नेचुरल है, और ये लोग बिल्कुल लास्ट वीक आए हुए हैदराबाद में, इंटरनेशनली सेल कर रहे थे लोग इसको, तो आप डेफिनेटली इसको आके ट्राई करना, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपने कुछ खाया होगा तो ये डेफिनेटली इसके अलग है, ये आर्टिफिशियल कलर्स नहीं यूज करते हैं लोग, बट नेचुरल कलर्स यूज करते हैं, नेचुरल फ्रूट से ये भरा हुआ है, तो डेफिनेटली विजिट करो। नाम भाई शफी भाई का ये स्टॉल है, और ये जो है दो जेट जूस ईट एंड ट्राइब करके है, ये कंप्लीट जो है इनके पास में शुगर केन जूस वगैरह मिल रहा, तो शुगर केन जूस क्या प्राइस का है यहाँ पे आपके पास, 30 रुपीज हो गए, ओनली 30 रुपीज में आपको देखने को मिलने वाला है ये, और शुगर केन का जूस पी के आप थोड़ा ताज़ा फील कर सकते हैं, समर के लिए बहुत इफेक्टिव जो है ना जूस है ये, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करिए, तो दावत रमजान में जो है फूड स्टॉल्स में आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और फ्रेशली प्रिपेयर होता आपके सामने, फ्रेश प्रिपेयर करके देते, तो आपको इस तरह से जूस देखने को मिलने वाला है, 30 रुपीज में है ये जूस, और ये जो है इसमें ये मतलब इसमें आइस वगैरह है डाला हुआ, नो आइस अच्छा कस्टमर के हिसाब से ऐड करते हैं इसके अंदर, अगर आपको आइस चाहिए तो आइस डालते हैं इसके अंदर, अच्छा लेमन एंड जिंजर का इसमें आपको मिलता, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इनको मेंशन कर दे सकते हैं कि लेमन एंड जिंजर थोड़े लोगों को नहीं बनता, राइट, तो आप डेफिनेटली मेंशन करें तो ऐसा देखने में जाता। गाइस दावत रमजान का ब्लॉग बहुत बड़ा होने की वजह से मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो इस वाले वीडियो पर टैप करें,
और अगर आपने मेरा आंगन एक्सपो वाला ब्लॉग मिस किया है तो इस वाले वीडियो पर टैप करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।